प्रकाश जी के कानों पर जूं अभी तक नहीं चली। अभी जूं चलवाने वाला समय आ गया कि केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर उसकी की हुई वायदा खिलाफी के विरोध में उनके निवास पर कम से कम 25,000 लोगों के साथ हमें प्रदर्शन करना है। मुझे तो आप हमेशा सुनते रहे हैं, आपके पीछे पुलिस लगाई गई, आपकी एक दिन में 4 हाजिरी की गई, आपको रोका गया, आपको डराया गया। मैनेजमेंट ने 8 दिन से पूरी कोशिश की कि आपको रोक लें, यहां पर आने ना दें, लेकिन आप सभी बधाई के पात्र हैं कि सारी बाधाओं को पार करते हुए आप सेम की तरह यहां पर फंसे। और अभी तो बीवाईपीएल के साथी तो आए ही नहीं, अभी जमुना पार के साथी तो भी रास्ते में है। जगह कब रहेगी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मुझे नहीं पता था। अभी मैं बाहर गया था, इतनी तो बाहर खड़े। ये भरोसा है आपके मिशन में, हमने एक शब्द जोड़ा था 1.5 महीने पहले, मिशन भरोसा, यही सब था, उसी से जुड़े हो आप। तो ये जो भरोसा आपने आज दिलाया है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। 2015 में भी ऐसी ही भीड़ इकट्ठी हुई थी और मैंने आपसे उस समय कहा था, आपको विश्वास नहीं हो रहा था आपकी 9,000 रुपए सैलरी। मैंने कहा आपकी सैलरी में 20,000 करा सकता हूं, तो हमारे लड़कों ने विश्वास नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब आंदोलन हुआ तो आपकी सैलरी भी बढ़ी और आपको तमाम सहूलियतें भी मिली, जो चीजें आपको 2015-2016 में मिली थी वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज किसी विभाग में नहीं है। आप इस बात का विश्वास करें। मैं माफी चाहता हूं सबसे पहले कि कुछ समय से मैं आपके बीच में नहीं था और मैं एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को वो सहूलियतें दिलाने के लिए लगा हुआ था कि समाज के सबसे नीचे के पायदान पर खड़ा हुआ हमारा सफाई कर्मचारी, क्यों ना उसकी भी सैलरी कच्चे कर्मचारी की 40,000 करा दी जाए, क्यों ना उसको भी अगर डेथ हो जाती है तो उसको 20,00,000 रुपए दिलवा दिए जाए, क्यों ना उसको भी मेडिकल सुविधा दिलवा दी जाए। ये सारी चीजों की वजह से मैं काफी समय से आज पता ये है, मेरे सम्मानित साथी बहुत ही बड़े बड़े, आप समझ भी नहीं सकते हमारे बीच में। देखिए एमसीडी के अंदर जितनी यूनियन है पूरे 1,00,000 कर्मचारी हैं, आप ये मान करके चले स्टेज पर 1,00,000 कर्मचारी यहां पर विराजमान है। कि जो दो बड़े संगठन है, कोर कमेटी के अध्यक्ष और सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन सत्यलाल चावरिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं, इसी कमेटी के प्रधान महासचिव और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय चेयरमैन भाई राजकुमार दिगान जी हमारे बीच में, जो दूसरा बड़ा संगठन है एमसीडी मजदूर फेडरेशन, भाई रणदीप खाकड़ जी जो उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच में मौजूद है, और जो प्रधान महासचिव है पवार साहब वो भी हमारे बीच में मौजूद है। चलिए कि पूरी एमसीडी की करीब यहां पर मौजूद है। और क्यों मौजूद है, ट्रांसपोर्ट विभाग से हमारे श्याम सुंदर जी यहां पर मौजूद है, दीपक ब्याल जी है, हमारे मानव
हितकारी संगठन डॉक्टर अम्बेडकर से विनोद संगत जी है और तमाम मेरे साथी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जिनकी वीडियो आप सुनते हैं जो करोड़ों में चलती है। मानव अधिकार जो संगठन है जो कम से कम 50 देशों में चल रहा है, डॉक्टर दुआ जो आइए रिटायर्ड है वो भी हमारे बीच में, और हमारे बीच में चौधरी ऋषि पाल जी जो इस तक के इनके साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन ये तो हम अपने ही संभाले जा रहे, अगर सबको बुला लेते तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। दोस्तों इसके अलावा तमाम कई साथी मेरे मौजूद हैं, काक साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और मैं आप लोगों से अपनी बात को बाद में रखूंगा। मैं आप बीच में इसलिए आया हूं कि बोलने वाले वक्ता को यह पता होना चाहिए कि आज का प्रोग्राम क्या है, तो ये वक्ता जब ही तो बात करेगा। और आज का प्रोग्राम ये है, सम्मानित मंच ध्यान दे मेरी बात पर, कि ये कच्चे कर्मचारी हैं और कच्चे कर्मचारी कच्चे विभाग के सेक्टर के कच्चे कर्मचारियों का पक्का होना। चावड़िया साहब मेरी बात पर बोल दे, राजकुमार जी इनका पक्का होना सिर्फ इतना है कि कंपनी और कर्मचारी के बीच का ठेकेदार हटा दिया है भाई, और इनको पक्का हो गया ना तो पेंशन मिलनी ना कुछ और सुविधा मिलनी। और ये केजरीवाल जी ने वादा किया था, क्या था ना, 2013 में किया, 2015 में किया, 2020 में किया और हर बार बेवकूफ बनाता रहा। उसने कहा मैं और मेरी सरकार अगर आएगी तो सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करूंगा। 60 लाख कनेक्शन है दिल्ली के अंदर और सारे कनेक्शन पर हमारे साथी 3 दिन बाद जाते हैं, एक बार रीडिंग ले लें, फिर 3 बार में और फिर पैसे ले लें। घर घर जाकर के इन 25,000 आउटसोर्स के कर्मचारियों ने प्रचार किया था कि किसी तरीके से केजरीवाल की सरकार बन जाए तो शायद हमारा भला, ऐसा ही था या नहीं था। 9 साल गुजर गए लेकिन केजरीवाल जी के कानों पर जू अभी तक नहीं चली। अभी जू चलवाने वाला समय आ गया, भाई जू चलवाओगे या सांप चलवाओगे, पक्की बात है। तो आज का प्रोग्राम ये है कि केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर उसकी की हुई वादा खिलाफी के विरोध में उनके निवास पर कम से कम 25,000 लोगों के साथ हमें प्रदर्शन करना है। और अगर तब भी सरकार की आंखें ना खुली, हो सकता सरकार ना जाए तो फिर क्या करना है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी ने डिक्लेयर किया है और जो हमारी आज की प्रेस रिलीज में है, उसके बाद हम 1 महीने का समय देंगे केजरीवाल जी सोचने के लिए, समझने के लिए, और प्रदर्शन होने के बाद 1 महीने तक अगर केजरीवाल जी ने कि बच्ची कर्मचारियों को पक्का ना दिया तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली की पूरी बिजली गुल होगी। मुख्यमंत्री
और दिल्ली का ऊर्जा मंत्री अपने घर की बिजली 3 दिन तक चालू नहीं करा पाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।